आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पूजा पाठ के नाम पर एक बाबा द्वारा तीन सगी बहनों के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। तीनों बच्चियों के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बाबा ने पूजा पाठ के दौरान तीनों सगी बहनों के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया है। बड़ी बहू या कि बहन या कि अभी अभी जो आई है नवेली नवेली कहीं पाके अकेली भगवान की खोस न ले पूरा छल्ला और जब गई सास तो मच गया हल्ला। बोलो शंकर भगवान। पुलिस ने तीनों बच्चियों के साथ अलग अलग बयान दर्ज किया है और बाबा के विरुद्ध दुष्कर्म व पास्को एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यह मामला सतना जिले के देहात स्थित नादन थाने का है। कार्रवाई के संबंध में जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जिस कथावाचक बाबा की लोग इज्जत करते थे, मान सम्मान देते थे, अब उन्हीं बाबा पर तीन सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। दिमाग में लगा कि हम घर छोड़ के आ गए हैं, बड़ी या कि बहन या कि अभी अभी जो आई है नवेली नवेली। बताया जा रहा है कि बाबा ने पीड़ित परिवार के घर में काल सर्प का दोष होने की बात कही थी, जिसके बाद से पूरा परिवार डरा हुआ था। इस दोष को दूर करने के लिए बाबा ने पीड़ित परिवार के कहने पर पूजा पाठ का आयोजन किया। आरोप है कि जिस दिन पूजा पाठ का आयोजन किया गया उस दिन बाबा ने बच्चियों की मां को घर के बाहर बैठा दिया, जबकि बच्चियों को बंद कमरे में बारी बारी से बुलाकर दुष्कर्म किया है। घटना के बाद छोटी बेटी ने पिता के घर वापस लौटने पर आपबीती सुनाई है तो परिजनों के होश उड़ गए। छोटी बेटी के बाद तीनों बहनों ने वही बात कही है। मम्मी पापा को बाहर निकाल दिए थे और मेरे बच्चों को अंदर कर लिए थे और ये जो है तो अंदर करके पूरे कपड़े उतरवा के और ये जो है तो फूल भाई झारा है और मेरे लड़की को शरीर में उसी को फूल डाल दिया है और वो बोलता है इसलिए तेरा ये शरीर लाल है। अच्छा, कौन था ये? ये है वहाँ का, यही गांव का था, ये ब्राह्मण है, उसी से हम कथा वथा सुनाते थे। तो आपके घर में कथा सुनाने गया था? जी, कथा सुनाने गया था। हाँ, तो फिर ये कैसे हरकतें होने लगी? तो ये ऐसे होने लगी कि 7 तारीख को मेरे लड़के को बर्थडे था, तो 7 तारीख को हम बुलवाए उससे कथा सुनवाए। फिर ये बात भी कि हमारे देवर देवरानी को बहुत झगड़ा होता था, तो देवर देवरानी की वजह से हमारे ससुर बोले कि पंडित जी इनकी जन्म कुंडली देख लीजिए कि कैसी इनका झगड़ा नहीं पट रहा है, तो वो देखे कहीं कि हाँ इनको तो जन्म कुंडली जो है तो इस तरह है इसीलिए इनका नहीं पट रहा है। तो मेरी बड़ी वाली लड़की बोली कि गुरु जी थोड़ा मेरा भी हाथ देख लीजिए। सो उन्हें हाथ दिखाए तो कही बेटा तेरे जी में तो बहुत खतरा है, तेरे में तो ये नाग सर्प बैठा है, तो इसकी तुम पूजा करवा लो, इसकी पूजा करवा लोगे तो तुम्हारा ये सर्प हट जाएगा। बस इतनी बात है सर, वो इतनी बात करके उनको पूजा को बुलवाए हम, तो इसी तरह वो पूजा करा हमारे लड़कियों के साथ। फिलहाल पुलिस ने बच्चों के बयान के दर्ज कर बाबा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां एक कथावाचक बाबा पर तीन सगी बहनों के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। तो मच गया हल्ला। बोलो शंकर।